हे गाइस, गुड इवनिंग। तो कल पूरा दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया, पता नहीं मूड ही नहीं बन रहा था। तो आज शाम से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है अभी। और चलिए, बाहर एक पॉपकॉर्न वाला खड़ा है तो उससे हम पॉपकॉर्न खरीद के लाते हैं। और देखिए, रोज आके खड़ा रहता है वो, तो उसकी स्टाइल देखिए पॉपकॉर्न की, उसने गाड़ी किस तरह से अच्छे से बनवाई है, तो वो सब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए हम चलते हैं पॉपकॉर्न लेने, और उसके बाद आके मैं चाय बनाऊंगी। गाइस देखिए, ये लोग किस तरह से बिजनेस कर लेते हैं। और सच में वो खड़ा रहता है ना, तो उसका वहाँ मेरे पार्लर के सामने ही आके खड़ा रहता है, और उसका अच्छा बिजनेस हो जाता है। तो और आज संडे है गाइस, तो एकदम से लेजी डे चल रहा था। और संडे को मेरे पार्लर पे ज़्यादा मेरे क्लाइंट नहीं रहते हैं। संडे को क्या होता है, यहाँ पे सारी पब्लिक ना ऑफिस गोइंग है, तो संडे को छुट्टी रहती है तो घर से बाहर नहीं निकलते हैं। बाकी के डेज़ में वो जब आते रहते हैं ना ऑफिस से, तो पार्लर धमाके से चालू रहता है, लेकिन संडे को सुस्त सा दिन रहता है। तो आज मैंने दोपहर को फिर पार्लर के विजिटिंग रूम में ही थोड़ा सा आराम कर लिया, और अभी शाम को थोड़ा बहुत चालू हुआ है तो देखा मैंने पॉपकॉर्न वाला बाहर खड़ा है, तो चलिए मैं बोली पॉपकॉर्न खरीद के लाते हैं। और गाइस एक कमेंट आया था मुझे मेरे कोई पुराने वाले वीडियो पे, कि पता नहीं मैंने बोला होगा ऐसे कि मैंने सब झाड़ू वाड़ू मार लिया है, घर पे साफ सफाई हो गई है मेरी, और मैं निकल रही हूँ पार्लर के लिए। तो वो किसी का कमेंट था कि पार्लर पे भी झाड़ू लगाती हो क्या। तो गाइस हाँ, मैं पार्लर पे भी झाड़ू लगाती हूँ, और मैं पार्लर बहुत नीट एंड क्लीन रखती हूँ। मेरा पार्लर बहुत बहुत साफ़ सुथरा और एकदम अच्छे से रहता है, एकदम क्लीन रहता है। मेरे क्लाइंट भी आते हैं तो बोलते हैं कि मुझे हम लोग को यहाँ आने को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये एकदम पार्लर नीट एंड क्लीन है। तो ये मेरा जवाब था उस कमेंट पे कि पार्लर पे भी झाड़ू लगाती हो कि नहीं। तो हाँ, मैं लगाती हूँ पार्लर पे भी झाड़ू। उसमें क्या हुआ, मेरा खुद का पार्लर है, मैं झाड़ू भी लगाऊंगी और मैं साफ़ सुथरा भी रखूंगी, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है गाइस। तो चलिए पॉपकॉर्न लेके आते हैं, नहीं तो पॉपकॉर्न वाला चला जाएगा। तो मैं आई हूँ यहाँ पे पॉपकॉर्न लेने, और देखिए इनका स्टाइल देखिए पॉपकॉर्न बनाने का। ये है उनका बर्तन, और उसमें वो डालेंगे। भाई जी, उसमें क्या डाला है आपने, तेल डाला है? तेल है, मसाला है। तेल और मसाला है, देखिए, और हल्दी, और हल्दी, और इन्होंने ये बटर, बटर भी डाला है। ओके, उसमें डाला है मतलब मकई में तेल, मसाला, हल्दी और बटर। ये थोड़ा गर्म होगा, इसको टाइम लगेगा। गाइस भैया जी को मैंने बोला थोड़ा सा मैं शूट करती हूँ, आप फिर से उसमें डालो भैया, इतना पॉपकॉर्न तो उन्होंने अब भी निकाला है। गरम हो रहा है, और इसमें से पॉपकॉर्न निकलेंगे। और भैया जी, ये मसाले में क्या है, ये नमक है? नमक में क्या? मसाला है, मसाला, बटर मसाला। नहीं, क्या है भैया जी? बटर इससे एसिड निकलता है। अच्छा, एंटी पॉपकॉर्न के अंदर एक 25 किलो का गोली रहता है ना, हाँ, उसके अंदर एक एसिड निकलता है, वो एसिड। अच्छा, शायद इसमें काला नमक वगैरह मिक्स होगा ना। फूटने लगे हैं, इसका आवाज देखिए तड़तड़ होने लगा है। आगे से निकलेंगे तो आगे कौन जाना है? आगे से जाऊँ, अभी आगे चली जाऊँ इधर। और ये भैया जी ने यहाँ पे लाफिंग बुड्ढा भी रखा हुआ है, यहाँ से ये पॉपकॉर्न तड़तड़ आवाज आ रही है ना गाइस। तो ये पॉपकॉर्न यहाँ से निकलेंगे इस तरह से। वाओ,
गाइस, इन्होंने इस तरह से पूरा गाड़ी बनाया है। सिर्फ एक चम्मच भर के ही मकई के दाने डाले हैं उसमें। और देखिए पॉपकॉर्न की तो बारिश हो गई है। पूरे भर गए हैं अंदर तक पॉपकॉर्न। अब ये रेडी हो गए हैं गाइस पॉपकॉर्न। इस तरह से उन्होंने उल्टा कर दिया और सारे पॉपकॉर्न यहाँ पे जमा हो गए हैं। गाइस मैं भी थोड़ा सा पॉपकॉर्न ले लेती हूँ। तो अब मैं ले रही हूँ 10 रुपए के पॉपकॉर्न। ऐसा अपने रेडीमेड या बनवाया खुद ही गाड़ी बनवाया है ये पानी का हंडा है और उसको फिर ओम भैया जी ने इस तरह से बनवाया है। और गाइस मैंने ले लिया अपने लिए पॉपकॉर्न। थैंक यू भैया जी। तो गाइस पॉपकॉर्न लेके आई हूँ मैं और चलिए अब चाय बनाते हैं। गाइस चाय बनके रेडी है और मैं पी रही हूँ चाय। ये देखिए मेरा एवरीडे का कप है और ये है मेरी चाय। आप बोलोगे मैं हर एपिसोड में चाय आपको बताती हूँ। एपिसोड क्या, मेरे हर वीडियोस में मैं चाय बताती हूँ। गाइस मैं ना, मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है। मैं पीती हूँ सिर्फ 2 ही बार, लेकिन चाय 2 बार भी मैं बहुत अच्छे से चाय बनाती हूँ। तो गाइस पहले तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं चाय पी लेती हूँ। બોલ કાપવા છે તને? હા બોલ દીદી, કેટલી પ્યારી સોની બચ્ચી આઈ હૈ મેરે પાસ હેર કટ કરવાને કે લિયે। તો ઇસકા હેર કટ કરતી હું, ફિર મેં આપકો બતાતી હું કૈસે કિયા મેને। કી પ્યારે સી બચ્ચી કા હેર કટ, છોટા સા પ્યારા સા બચ્ચા હૈ યે। ઉપર જો ઉપર જો, હાય બોલ, હાય हाय कर, तेरी बंगड़ी बताओ। हाय, देखो इसको, ये बच्ची को कितना शौक है। देखिए क्या क्या पहन के रखी है। तो गाइस हो गया उसका हेयर कट अब। अबे मस्त मस्त हसे छे नानुशी बाबू। नानुशी बाबू अबे सरस हसे छे। हाँ सोनू, टाइम मारो आती जूची नहीं आती। तो गाइस अब मैं घर पे आ गई हूँ और सारे सोसाइटी में सबके घर पे इस तरह से मस्त मस्त लाइटिंग लगी हुई है। वो देखने में इतना अच्छा लगता है ना फ्रेंड्स, कि क्या बताऊँ मैं आपको। ये हो गई है रात और ये है चंदा मामा। तो गाइस अब मैं आ गई हूँ घर पे और कितना सुकून मिलता है पता है घर आने पे। वैसे मुझे पार्लर भी मेरा है, मुझे पार्लर पे भी बहुत अच्छा लगता है, पर घर आने पे थोड़ा सा रेस्ट मिलता है, अच्छा लगता है। तो अब मैं जाऊंगी खाना बनाने और आज मैं बनाऊंगी मूली की सब्जी और दाल चावल, या फिर मूली की सब्जी और रोटी। जैसे अभी जय को फ़ोन करके पूछती हूँ कितना भूख है, क्योंकि वो ट्रेन में अगर उन्होंने वड़ा पाँव खा लिया होगा। गाइस मुंबई का वड़ा पाँव, जय गुजरात से आते हैं और जो मुंबई में आते हैं तो उनको वड़ा पाँव ज़रूर खाने को चाहिए रहता है। तो वो रास्ते में स्टेशन पे से वड़ा पाँव खा के ही आते हैं घर पे, तो फिर वो खाना नहीं ठीक से खाते। तो जिस दिन आते हैं ना, उस दिन मैं खाना बनाने की ज़्यादा मगजमारी में पड़ती नहीं हूँ। तो कल एक दिन का जय छुट्टी लेके आ रहे हैं
तो सिर्फ आज थोड़ा थोड़ा दाल चावल बना लूँगी और सब्जी बना लूँगी, या फिर रोटी और सब्जी, दो में से एक चीज़ बनाती हूँ। तो गाइस, आपने खाया है वड़ा पाव मुंबई का? आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हो बताइए मुझे। और वड़ा पाव ना, मैं क्या बताऊँ, इतना टेस्टी ना कि पूछो मत। मुंबई का वड़ा पाव जिसने नहीं खाया उसने सब कुछ मिस किया। ग्रीन मसाला डाल के जो बनाते हैं तिक्खा वड़ा पाव, वाव मस्त रहता है। तो गाइस, कभी आइए हमारे घर पे, हमारे गांव में, हमारे मुंबई में, और फिर खाते हैं वड़ा पाव। ओके, हम मिलके सब। तो ठीक है गाइस, मुंबई की दो ही चीज़ फेमस है, एक वड़ा पाव और एक पाव भाजी। वैसी पाव भाजी आप कहीं भी जाओगे ना, और वड़ा पाव आप कहीं भी जाओगे, आपको वैसा मिलेगा नहीं। ये स्पेशलिटी मुझे लगता है मुंबई और महाराष्ट्र में ही है, उसके बाहर आप जाओगे ना तो आपको कहीं, बस हम लोग दिल्ली भी गए थे तो वहाँ पे सिर्फ मोमोज मिल रहे थे या पानी पूरी और ऐसा सब, पर यहाँ पे तो जगह जगह पे वड़ा पाव की स्टॉल है या फिर वड़ा पाव की गाड़ियाँ लगी रहती है। और पाव भाजी तो माय गॉड, रात को सब लोग खाना खाने के बाद भी पाव भाजी खाने को निकलते हैं गाइस। तो चलिए, अब मैं लगती हूँ खाना बनाने में। और आप सब क्या कर रहे हो मुझे कमेंट करके बताइए, कैसे चल रहा है आपका लाइफ अभी। और गाइस, मेरे वीडियोस ना, कल मैंने वीडियो नहीं बनाया, कल पता नहीं मेरा मूड नहीं बन रहा था तो कल मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर से कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आप कमेंट्स करोगे तो मुझे पता चलेगा, मैं तो मेरी सारी लाइफ आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, पर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे कैसे पता चलेगा। तो आप मेरे साथ कमेंट करके ही मेरे साथ शेयर कर सकते हो ना। तो गाइस, जो भी मुझे देख रहा है, मुझे थोड़ा भी पसंद कर रहा है, वो मुझे मेरे साथ कन्वर्सेशन करे, ताकि मुझे आप लोगों से दोस्ती करने में बहुत अच्छा लगेगा। हम अपना सुख दुख सब शेयर करेंगे। तो गाइस, आप मेरे साथ मुझे कमेंट करके मुझे बताइए आप सब कैसे हो, क्या कर रहे हो। और नो बैड कमेंट्स गाइस, अच्छे वाले कमेंट्स। अरे दुनिया बहुत छोटी है गाइस, सब कुछ है, यहीं छोड़ के चले जाना है एक दिन, तो इसलिए ना बुरा बोलो ना बुरा सुनो, है ना, अच्छा ही बोलो सबको। अगर मेरी कोई गलती है तो आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पे रॉन्ग हो, मैं कोई बुरा नहीं मानूंगी, पर प्यार से बताइए। ओके, तो चलिए खाना बनाती हूँ अभी। एक कुकर में मैंने दाल चढ़ा दी है, दूसरे कुकर में मैंने राइस धो के रख दिए हैं, और मूली के पत्ते की सब्जी बना रही हूँ। गैस कुकर की सीटी भी आ रही है और इस तरह से मेरा फटाफट अभी खाना बन जाएगा। क्या लाए इतना सारा? तो गाइस, अब खाना खा चुकी हूँ मैं, और बस मुझे अपना मेकअप रिमूव करना है। मेकअप में कुछ नहीं है, सिर्फ लिपस्टिक और काजल रिमूव करना है, तो रिमूव करूँगी और सोएंगे। गाइस, मैं सोच रही थी लाइव जाने के बारे में, पर मेरी बैटरी पूरी डाउन है। वो रिचार्ज सुबह ही होगी अब, तो नहीं जा पा रही हूँ लाइव। और बस अब मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत थक गई हूँ, तो सोती हूँ जल्दी से। और आप सभी को गुड नाइट, और मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज अभी हो गई है सुबह और मैंने शावर ले लिया है, और अब मैं मेरा रूटीन मेकअप आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या लगाती हूँ। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइजर अपने फेस पे,
ये लिया है मॉइस्चराइज़र, क्योंकि अभी ठंडी पड़ रही है तो मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ फेस पे। और गाइस मेरी स्किन ना बहुत डार्क है, बहुत डार्क भी है और बहुत ड्राई भी है, तो अभी मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ फेस पे। और हाथों पे भी मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी प्राइमर। मैंने कहाँ रख दिया है प्राइमर पता नहीं, ये रहा। तो गाइस अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी प्राइमर। प्राइमर से आपका फेस पे ना सारा मेकअप अच्छे से सेट हो जाता है। मैं कोई मेकअप नहीं कर रही हूँ अभी, मैं सिर्फ थोड़ा सा अपना फेस को तो मैंने अभी लगाया है प्राइमर। लिप्स पे नोज पे मैं अच्छे से लगा लेती हूँ ताकि मेरा फेस दिन भर ड्राई ड्राई नहीं लगे। तो गाइस इस तरह से मैंने लगा लिया है और अब ऊपर मैं लगाऊंगी थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर। और मैं कुछ मेकअप नहीं कर रही हूँ, मैं मॉर्निंग रूटीन आपसे दिखा रही हूँ। खुल नहीं रहा है, चलो छोड़ो इसको, नहीं खुल रहा है तो छोड़ दो। अब मैं लगा लेती हूँ काजल। ऐसे भी रोज पाउडर नहीं लगाती हूँ मैं गाइस। काजल के बिना तो मेरा काम भी नहीं चलता है, तो मैंने लगा लिया काजल। मुझे इधर छोटा सा ब्यूटी स्पॉट है तो उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा डॉट लगा लूंगी। गाइस मैंने ये लगा लिया है अभी। और आज मैं कौन सी लिपस्टिक लगाऊं, ये वाली लगाऊं बताइए आप। इसके साथ तो पिंक शेड जाएगा, पर आज मुझे ऑरेंज शेड लगाने को दिल कर रहा है, तो चलिए ये वाला पिंकिश थोड़ा सा ऑरेंज पे जाता है, ये वाला शेड लगाते हैं। गाइज मेरे पास जो भी लिपस्टिक है ना सारी इस तरह की, तो वो सारी मैट है और मैट लिपस्टिक अभी चलेगी नहीं, ठंडियाँ बढ़ गई है, तो उसके ऊपर मैं ये थोड़ा सा लिक्विड वाला लगा लेती हूँ। तो अब मैं रेडी हो गई हूँ पार्लर पे जाने के लिए। इस ठंडी में ना बाल इतने टूटते हैं ना, मतलब टूटते हैं बाल पूरी तरह। ये देखिए कल मैंने परसों के दिन ये बालों को इतना सारा काट दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे बाल इतने पतले लग रहे हैं नीचे से। तो गाइस चलिए अब मैं निकल रही हूँ पार्लर के लिए और मिलते हैं बाद में पार्लर पे जाके। और खाने में मैंने बनाया है मट की सब्जी और रोटी, क्योंकि जय भी घर पे है तो जय खाना खाएंगे। जय अभी जाएंगे अपने काम से, उनका बाहर काम है ज़रा, तो वो सब काम करके निपटारा करके फिर दोपहर को घर पर आ जाएंगे, पर मैं तो पार्लर में रहूँगी पूरा दिन, तो मिलती हूँ बाद में आपको। देखिए गाइस मैंने सिर्फ शावर लिया है और आज तो शावर लेने में भी प्रॉब्लम हो गया, लाइट बहुत डिम थी तो डिम लाइट में गीज़र डर डर के चालू किया, पर फिर मैंने बंद कर दिया गीज़र को। मुझे लगा क्या पता गीज़र उठ जाएगा कि क्या, तो गीज़र को बंद कर दिया और फिर मैंने ठंडे पानी से ही नहाया।
देखिए गाइस, तो इस तरह से मैं रेडी हो गई हूँ, आपको मिरर में दिखाती हूँ। तो गाइस ये मैंने उस दिन पूरा अरेंज किया था पर वापस से मैस हो गया है। तो चलिए मिलते हैं पार्लर पे जाके। गाइस अब पार्लर के लिए निकल चुकी हूँ, मैं निकल रही हूँ, लेकिन मैंने जब वो दिवाली के दिन आपको बताया था ना पैसे का झाड़ कैसे उगाने का, तो मेरा पैसे का झाड़ उग गया है। तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए कितना अच्छा सुंदर से उगा है। देखिए ये पूरा धनिया इस तरह से उग गया है, मस्त लग रहा है। एक्चुअली में मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मेरे से, मैंने उसको ना पूरा ऐसे बंच बंच में लगाना चाहिए था, तो पूरा धनिया मुझे काटने को अच्छा पड़ता था। तो गाइस मेरा पैसे का झाड़ उग गया है, हे पिपुरे, और मैं इतनी खुश हो रही हूँ ये प्लांट उगा है तो देख के। पहले मैं डर गई, मैं बोली क्यों नहीं उग रहा है, क्यों नहीं उग रहा है, पर उगा आखिर में। 10 डेज लगे इसको गाइस उगने में। वाला वीडियो पे जाके देख लीजिएगा कि पैसे का झाड़ कैसे उगाने का है, मैंने पूरा वीडियो डाला है उसके ऊपर। ओके, इसमें मैंने धनिया उगाया था, ये स्नेक प्लांट उगाया था, और इसके अंदर मैंने कॉइन उगाए थे, मतलब 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, 2 रुपीज़ और 1 रुपीज़, इस तरह से 4 कॉइन डाले थे। धनिया डाला था और ये स्नेक प्लांट, तो स्नेक प्लांट भी अच्छे से उगा है और धनिया भी अच्छे से उग गया है। तो ये मेरा पैसे का झाड़ गाइज उग गया है। अब गाइज आप मुझ पर हंसोगे, ये क्या पागलपन करती रहती है, पर गाइज अच्छा लगता है, अपना मन की खुशी जो इसमें होती है ना, अब वो जो उगा है धनिया मुझे इतना खुश कर रहा है, तो मैं बस वही इमेजिन कर रही हूँ कि मेरे पैसे का झाड़ अच्छे से उग गया है। तो चलिए निकल रही हूँ पार्लर के लिए। हे गाइस, सुबह से मैं अभी आपको मिल रही हूँ, और मैंने आज कराया है क्लीन अप, तो स्किन थोड़ी सी क्लीन हो गई है, और अभी ठंडी पड़ रही है ना गाइस, तो थोड़ा सा क्लीन अप करना बनता है, तो चेहरे को थोड़ा सा नरिशिंग हो जाता है चेहरा, और सब डेट्स जो धूप का हमारा टैनिंग रहता है ना वो सारा निकल जाता है। तो मैं सुबह से आपसे मिली नहीं, तो मैंने सोचा अभी मैंने चाय पिया और मैं आपसे बात कर लूँ, और फिर शाम को आज मैंने सोचा है खाने में क्या बनाऊँ, देखते हैं घर जाके सोचती हूँ क्या बनाना है। तो थोड़ी देर के बाद मिलेंगे गाइस, बहुत टाइम के बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि दोपहर को क्लास वाले आए थे, तो 2 बजे से 5 बजे का टाइम तो क्लास में ही चला गया, फिर थोड़े क्लाइंट, और फिर अभी थोड़ा सा चाय पी के फ्री हुई हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ, आप सोचोगे मैं कहाँ गायब हो गई। हाँ लेकिन आपको तो मैं बैक टू बैक मिल रही हूँ, पर हाँ मेरे लिए आप मॉर्निंग में मैंने शूट किया था और अब मैं मिल रही हूँ आपसे। तो चलिए गाइस थोड़ी देर में फिर से मिलते हैं। तो गाइस अब मैं आ गई हूँ घर पे, और रास्ते में मैं रुकी थी मोमोज लेने के लिए, कल ही उसने नया गाड़ी लगाया है मोमोज का, तो मैं रास्ते में रुक गई थी लेने के लिए, पर देखी तो वो नॉन वेज वाला है, तो फिर मैं आ गई। अब मैं बना रही हूँ कढ़ी और खिचड़ी। ये खिचड़ी मैंने, अरे भगवान क्या बोल रही हूँ, ये खिचड़ी मैंने बघाड़ लिए हैं, और इसको अच्छे से पूरा ज़्यादा सीटी लेके नरम कर लूँगी, पूरा थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दिया मैंने, तो अच्छी नरम बनेगी, और साथ में मैं बना रही हूँ कढ़ी। मैंने सोचा थोड़ा सा मोमो अगर मिल जाता था तो अच्छा होता था, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता था मोमो का। और मैं आई हूँ, मैंने पर्स भी यहीं रख दिया है, फटाफट पहले हाथ धो के किचन में काम करने लग गई हूँ। और गाइस फेस मैंने पूरा आज क्लीन अप करवाया है, तो फेस पे कुछ नहीं है, आपको मेरा फेस बहुत थोड़ा सा सुस्त लगेगा। तो फ्रेंड्स बस यही है, होता है ना ऐसा
कि हस्बैंड आए हैं छुट्टी में, तो उनको उधर पता नहीं कैसा खाना मिलता होगा या नहीं, तो हम थोड़ा सा टेस्टी टेस्टी कुछ कुछ बनाए या कुछ रेडीमेड भी ले, तो इसीलिए मैं रुक गई थी मोमोज लेने। कल ही उसने नई गाड़ी लगाई थी तो मैंने देखा, तो मैंने सोचा अब कल तो नहीं लिया, मैंने आज लूंगी। आज देखा तो उसको पूछा तो बोलता है नॉन वेज, और जय नॉन वेज खाते नहीं है। तो फिर मैं घर आ गई हूँ, और गाइस अब मेरी खिचड़ी बन रही है और उसके साथ में बनाऊंगी कढ़ी। तो चलिए ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। तो गाइस बस आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और थोड़ा भी अच्छा लगे तो शेयर भी कर लेना फ्रेंड्स लोग के साथ, और जो नए सब्सक्राइबर आए हैं उनको मोस्ट वेलकम, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं कल नए व्लॉग में, बाय बाय।